गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्कर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी में 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है, नकदी, मोबाइल फोन और शराब तस्करी में प्रयुक्त आयशा कैंटर गाड़ी का कब्जा भी बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा अवैध शराब को छिपाने के लिए हरियाणा राज्य से फर्जी नंबर प्लेट लगी कैंटर गाड़ी में छिपाकर बिहार राज्य में सप्लाई किया जाता था। थाना गढ़मुक्तेश्वर के उपनामी क्षेत्र के विशेष अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को कानूनी कार्रवाई के तहत सुनवाई के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की है और अधिक गिरफ्तारियों की संभावना भी है। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता रियाज अहमद की। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर एक कैंटर ट्रक को पकड़ा गया है। तो ट्रक को पकड़ा गया तो उसमें चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें कैविटी बनी हुई है, जिसमें कैविटी के आगे तो एक सामान, नॉर्मल सामान रखा हुआ है और पीछे की तरफ देखा गया तो उसमें शराब की लगभग 200 पेटियां थी। कीमत लगभग 20 लाख रुपए की ये बरामद हुई है। रॉयल ग्रीन ब्रांड की ये है और इसमें मार्क चेक किया गया तो इसमें लिखा गया था ये फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं थे। ड्राइवर संतोष कुमार ये बैलसंड जनपद सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये जो ट्रक था ये लखनऊ बलिया के रास्ते बिहार दारू सप्लाई करने के लिए अवैध रूप से ले जा रहे थे। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन, कुछ नकदी, कुछ पैसे, कुछ और ये ट्रक बरामद हुआ है। उन्होंने पूछताछ में भी बताया है कि इसमें कुछ बिहार के और कुछ हरियाणा के लोग शामिल हैं, जहां हरियाणा में इस ट्रक को लोड किया जाता है और बिहार में एक सप्लायर उसको जाकर के ये उपलब्ध कराते थे। इनकी पुरानी डिटेल्स भी निकाली गई हैं। इनके कई ऐसे राउंड्स यहाँ पे सामने आए जिन्होंने लगातार बिहार में जा कर के सप्लाई की गई है। इसमें आगे पीछे इंटरलिंकेजेस किए जा रहे हैं। जो ये ट्रक है वो फर्जी नंबर प्लेट लगा के चलाया जा रहा था और इसमें जो भी अन्य व्यक्ति प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी कई लोग वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। कितनी पेटियां सर बरामद और अनुमानित क्या कीमत इसकी बताएंगे? देखिए ये जो 200 पेटी हैं और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, लेकिन यही कीमत बिहार में जाकर के बढ़ जाती है। जैसे एक दारू की जो शराब की बोतल है उसकी यहाँ पे कीमत 700 रुपए हरियाणा में, तो ये बिहार में उन्होंने बताया कि लगभग 2100-2500 रुपए के बीच में ये एक बोतल बेची जाती है, तो वहाँ पे इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा सर, इसका लोकसभा चुनाव या होली को कितना देखा जा रहा है? ये बिल्कुल, ये होली के पहले या चुनाव, क्योंकि MCC भी लग गई है तो इसको बिल्कुल इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि क्या इसकी सप्लाई चुनाव में या होली के त्यौहार में की जानी थी। वो जब होगा जब अन्य वांछित लोग जो इसमें हैं वो इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे।